हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, राकेश वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपने पीसी में ईडीएस को फर्स्ट बार इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद आपको कौन कौन सी सेटिंग उसमें करना अति आवश्यक होता है। जैसे यूजर सेटिंग हो गया, सिस्टम सेटिंग हो गया, HD4K, कोई भी सेटिंग आपको करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो जो भाई जानते हैं वीडियो को इसी जगह से स्किप कर सकते हैं, और जो भाई नहीं जानते हैं वीडियो का पूरा वॉच करें तभी समझ में आएगा। EDS 8 और EDS 9 की सेटिंग सेम ही होती है। तो चलिए मैं EDS 8 को ओपन करता हूँ। जब भी हम EDS को फर्स्ट बार इंस्टॉल करते हैं तो इस प्रकार से यह आता है। अब यहाँ से आपको लोकेशन देना है। यहाँ आप कहीं भी इसका लोकेशन आप दे सकते हैं। तो चलिए मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट किया और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं सिलेक्ट फोल्डर है, तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। अब इसका लोकेशन जो है डी में हो गया। अब आपको ओके करना है। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीसेट बनाना है आपको। जैसे यहाँ पे 4K है, HD है, SD है, DV है। तो मान लीजिए हमको 4K और HD लेना है तो हम यहाँ पे चेक मार्क कर दिए। जिसको नहीं यूज करना है वहाँ पे आप अनचेक ही रहने दें। और यहाँ हम 25p फ्रेम को ले लेते हैं। अगर आप 50p फ्रेम को लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। जिसमें आपको अच्छा लगता है वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम 8 बिट सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ यह इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ भी अगर आप जो चाह रहे हैं उसको ले सकते हैं, जो नहीं चाह रहे हैं उसको आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाने के लिए जो यहाँ पे HD 25p 960 × 720 है इसको हम नहीं लेना चाह रहे हैं तो इसको हम अनचेक कर देते हैं। और यहाँ पे 1440 है, मान लीजिए मैं इसको भी नहीं लेना चाह रहे हैं तो इसको भी मैं अनचेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट है, यहाँ आपको कंप्लीटेड पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यह इस प्रकार से ओपन हुआ। मान लीजिए मैं HD 1920 × 1080 पे EDS को ओपन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यह आपके सामने इस प्रकार से EDS का विंडो ओपन होके आ गया। अब इसमें आपको सेटिंग करना है। कुछ लोग जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे ले आकर के रखते हैं ताकि जो ये टाइमलाइन है यह बड़ी कर सके, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार से करना है तो आप कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ भी व्यू वाले विंडो को रखते हैं, कुछ भाई लोग यहाँ भी रखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ तो इसको ऐसे पकड़ के आप ले आएंगे तो यह यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसको पकड़ के यहाँ कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे आना है।
इसमें आने के बाद आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग है, यूजर सेटिंग है, प्रोजेक्ट सेटिंग, सीक्वेंस सेटिंग, चेंज प्रोफाइल। यहाँ पे आपको पांच सेटिंग के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सिस्टम सेटिंग में चलना है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस प्रकार से आपको पांच फोल्डर दिखाई देंगे। जब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो यहाँ पे एरो का निशान है यहाँ से, तो इसके नीचे आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे कैप्चर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे है चेक फॉर अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक मार्क यहाँ पे लगा है, तो आपको यहाँ अनचेक कर देना है और अप्लाई कर देना है। केवल अप्लाई करना है, ओके नहीं करना है, ठीक है। सब सेटिंग हो जाएगी तब आपको लास्ट में आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेबैक है, जैसे कि हमारे सिस्टम में 8 GB रैम है तो हम यहाँ पे 8 GB कर देते हैं और फ्रेम 15 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रीसेट है, अगर यहाँ पे आपको कुछ और प्रोजेक्ट प्रीसेट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका वीडियो हम बाद में बना देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ एप्लीकेशन हो गया। अब आपको हार्डवेयर में कुछ नहीं करना है, इफ़ेक्ट में आना है। आफ्टर इफेक्ट हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कलर करेक्शन है। यहाँ इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी कलर करेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे इंटेल आर है, मेरा जो है ग्राफिक्स है प्रोसेसर का, मैं अलग से ग्राफिक्स नहीं लगाया हूँ अपने सिस्टम में, तो यहाँ जो है ग्राफिक्स का जो प्रोसेसर है वह शो कर रहा है। तो यहाँ हम चेक मार्क कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। उसके बाद अब आपको आना है बस, हो गया इफेक्ट में इतना ही। अब आपको आना है इंपोर्टर एक्सपोर्टर में, आपको आना है P2 में, ठीक है। और यहाँ पे क्विक टाइम है, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसमें चेक मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको चेक मार्क लगा देना है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको आना है सोनी राव में, सोनी राव में आप देखेंगे यहाँ पे नीचे GPO है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा प्रोसेसर है उसमें जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड अलग से अपने सिस्टम में लगाए रहेंगे तो आपका वह जो है शो करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे चेक मार्क कर देते हैं दोनों पर और अप्लाई कर देते हैं। बस हो गया, आपका सिस्टम सेटिंग जो है कंप्लीट हुआ। अब आप ओके कर दें। अब हम आते हैं यूजर सेटिंग में। यूजर सेटिंग में यहाँ पे आपको मिलेगा टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन में आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर है यहाँ पे अभी चेक मार्क है। अगर आपका यहाँ पे चेक मार्क रहेगा तो जब आप टाइमलाइन पे दो क्लिपों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन लगाएंगे तो वह नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको अनचेक कर देना है और यहाँ अप्लाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको टाइमली दिख रही है, तो यहाँ जब आप अनचेक करेंगे इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सब यहाँ पे ऐसे अनचेक कर देना है, ठीक है। अगर सीक्वेंस टाइम कोड को आप रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी को आप अनचेक कर देंगे तो यह हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं प्लेबैक, इसमें आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिन है,
पिन के बाद बटन है, यहाँ से आप बटन नीचे ऊपर ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे है कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ से आप कीबोर्ड से अपने तरीके का शॉर्टकट बना सकते हैं। तो चलिए इसका भी वीडियो हम अलग बनाएंगे। बस आपका यूजर सेटिंग भी ओके हुआ, आप अब ओके कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस यही सेटिंग मैं बताना चाह रहा था। यह सेटिंग आपको EDS इंस्टॉल करने के बाद ज़रूरी होता है। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें।